आज बात करेंगे धान खरीद की। क्या वास्तविक रूप से जो सरकार ने समर्थन मूल्य लागू किया है वो किसानों को मिल रहा है? क्या उनकी खरीद हो रही है क्रय केंद्रों पर? इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल में लंबे समय से राजनीति करते आ रहे आरपी सिंह। उन्हीं से जानेंगे कि क्या हकीकत है, किसान को क्या वास्तविक समर्थन मूल्य मिल रहा है। देखिए, राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में धान खरीद को लेकर के 55 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा था और 1668 रुपया प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य से ये खरीद होनी थी। लेकिन जब क्रय केंद्रों पर व्यवस्था नहीं है, कहीं धान नहीं है तो कहीं बोरा नहीं है, तो कहीं पैसा नहीं, कहीं कर्मचारी नहीं। राज्य कर्मचारी कल्याण निगम सहित 3 जो राज्य सरकार की एजेंसियाँ थी, राज्य सरकार ने उनको धान क्रय केंद्र खोलने से मना कर दिया, वंचित कर दिया। अब केंद्र सरकार की वो एजेंसियां खरीद कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, जिनके पास 2 कर्मचारी नहीं है। तो किसानों के सामने एक समस्या है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके हिसाब से वो अपनी फसल को कैसे बेच पाए। अब क्रय केंद्रों की ये दुर्दशा है कि कर्मचारी नहीं है, पैसा नहीं है, बोरा नहीं है, और जो पर्यवेक्षणक अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि धान खरीद को कराएं, किसान को लूटने से बचाएं, वो उस साठ गांठ में लगे हैं कि कैसे बिचौलिए से अपना हिस्सा ले पाएं। पूरी धान खरीद की जो प्रक्रिया है उसमें भारी झोलझाल है और जिला प्रशासन ही नहीं, राज्य सरकार भी किसानों को लेकर के संवेदनशील नहीं है। राज्य सरकार दावे बड़े बड़ी करती है कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, फलाना करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा, अभी प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल नहीं पा रहा है, इसके लिए कोई पहल, कोई योजना सरकार के पास दिखाई नहीं पड़ती। आपके मुताबिक क्या रेट मिल रहा है किसानों को इस समय? देखिए, मार्केट में 900 से 1100 का धान बिक रहा है, और जो धान खरीद का, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शुरू से इसमें बड़ा मामला गड़बड़ रहा। हम लोग लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं कि जो MSP है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस पर धान खरीद हो जाए। गेहूँ की खरीद तो थोड़ी बहुत हो जाती है, इसमें मिलर जो है वो सीधा बिचौलिए से खरीदता है, और कैसे कैसे भुगतान होता है, कैसे उसके कागज़ तैयार होते हैं, कैसे डॉक्यूमेंटेशन होता है, और कैसे जिला प्रशासन के अधिकारी उसमें बंदर बांट करते हैं, भारी लूट घसोट होती है। किसान को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो नहीं मिल पा रहा है, क्रय केंद्र